Yeah, let's go. हम्म तो ये है Redmi Note 10 Pro और मैंने इस फोन का सिक्स जीबी वेरियंट सत्रह हजार रूपये का परचेज किया है और अगर आप यहाँ पर आईसीआई आई बैंक कार्ड का यूज करते हो तो ये फोन आपको सोलह हजार रूपए में भी मिल सकता है अनबॉक्सिंग आप ऑलरेडी देख ही चुके हो दोस्तों ये इस फोन का सारा बॉक्स कॉन्टेंट फोन के साथ मिलता है थर्टी थ्री का फास्ट चार्जर और साथ ही में मिलती है टाइप सी केबल सिम इजेक्टर टूल और उसी के साथ आने वाला मैट फिनिश में बैक केस और लास्टली इस फोन के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी देखने को मिल जाती है तो अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पर इस फोन के काफी सारे रिव्यू ऑलरेडी देख लिए होंगे और जितना दोस्तों मैंने नोटिस किया इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और इस फोन के रिफ्रेश

स्पेशली जिस फोन में प्लास्टिक का फ्रेम है भाई वो तो डेफिनेटली टूटी जाएगा और इसी तरह से अगर आप फोन को पीछे वाली जेब में रख के बैठ जाते हो तो भी आपका फोन ना ही टूटेगा ना ही वो बेंड होने वाला है दोस्तों मैंने यहाँ कॉमन टास्क होते हैं जो कि हम डेली लाइफ में परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे इस फोन के साथ करके देख ली और यहाँ पर कोई भी बिल्ड क्वालिटी इशू देखने को नहीं मिला है इनफैक्ट यार मेरे हाथ से फोन दो बार गिर भी चुका है लेकिन तब भी इस फोन का जो ग्लास है वो बिल्कुल परफेक्ट है तो यार कहना इतना चाहता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी इस फोन की बिल्कुल सुपर है नहीं तो यार बाकी फोन देख लो जैसे कि रियलमी एट प्रो ये सब वहां पर हम लोग को प्लास्टिक देखने को मिलती है अठारह हजार की प्राइस पे तो इसको देखते हुए रेडमी ने एटलीस्ट यहां पर ग्लास बैग तो दी है जो कि काफी बढ़िया बात है इसके बाद यहां पर सिक्स पॉइंट सेवन इंच की फुल एच डी प्लस सुपर एमलेट डिस्प्ले मिलती है और यहां पर दोस्तों 120 के है और सही बताऊं तो यार किसी ने सोचा भी नहीं था कि 20,000 के अंदर सुपर एमलेट डिस्प्ले और साथ ही में 120 ट्वेंटी का पैनल देखने को मिलेगा हालांकि यार इस फोन का 120 ट्वेंटी पैनल उतना ज्यादा स्मूथ नहीं लगता है और इसके बारे में मैं आगे आपसे वीडियो में बात करने भी वाला हूं लेकिन पहले अगर बात करूं इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में तो नो no डाउट दोस्तों यहाँ पर जो कलर से एवरेज जो विविंग एंगल्स है सभी कुछ हम लोगों को काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है एंड स्पेशली दोस्तों इस फोन का जो पंच होल कैमरा है वो काफ़ी छोटा कर दिया गया है तो यहाँ पर यार मल्टी एंजॉय करने में काफ़ी मजा आता है और मल्टी मीडिया की बात चली है, तो भाई इस फोन में स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं जिनको कि आप ड्यूल स्पीकर भी कह सकते हो दोस्तों स्पीकर की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है हालांकि यहाँ पर जो लाउडनेस है वो थोड़ी सी ज्यादा होती तो थो थो थोड़ा बेटर रहता अब देखो इससे पहले मैंने मी टेंटी यूज़ किया था जहाँ पर स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं तो इस फ़ोन की और मी टेंटी की जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर निकल कर आती है और यहाँ पर दोस्तों जो साउंड क्लैरिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है हालांकि यार दोनों ही फोन का को को कोई कंपैरिजन नहीं है वो फ्लैगशिप फोन है और ये मिड रेंज फोन है लेकिन मुझे इस फ़ोन की साउंड क्वालिटी काफ़ी सेम लग रही है मी टेंटी से लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर लाउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा होती तो भाई डेफिनेटली बेटर रहता और जहां तक बात

लिया है तो डिस्प्ले के बारे में ओवरऑल इतना बोलूंगा यार काफी बढ़िया है प्राइस के अकॉर्डिंग और यहाँ पर जो वन ट्वेंटी एट का पैनल है वो ज्यादातर केसेस में काफी स्मूथ रहता है थोड़ी बहुत जगह जहां पर डेफिनेटली थोड़ा सा लैग या फिर स्टर देखने को मिलता है लेकिन स्टिल दोस्तों मी यू को काफी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है और अभी कुछ टाइम बात ही मी आई ट्वेल्व पॉइंट फाइव का अपडेट आने वाला है तो उम्मीद करता हूँ यार उसके बाद जो लैग या फिर स्टर है वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे बाकी दोस्तों मी वाई ट्वेल्व पॉइंट फाइव पे एक अलग से वीडियो बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पर मिलता है स्नैपड्रैगन ड्रेगन थर्टी टू जी जो कि ऑलरेडी अभी तक, तक काफी सारे फोन में आ भी चुका है ये दोस्तों एक नहीं बल्कि प्रोसेसर है एंड ये फोन दोस्तों फोर जी प्लस को भी सपोर्ट करता है मतलब कि पर कैरियर एग्रीगेशन सपोर्टेड है और इस फोन में जो नेटवर्क स्पीड है वो भी काफी बढ़िया रहती है अभी तक यार इस फोन में नेटवर्क को लेकर कोई भी इशू फेस नहीं हुआ है और जहां तक बात है इस फोन की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहां पर आप सारे डेली टास्क काफी आराम से परफॉर्म कर सकते हो और उसी के साथ ये प्रोसेसर काफी ज्यादा पावर एफिशियंट है तो यहाँ पर दोस्तों जो बैटरी बैकअप है वो भी काफी बढ़िया रहने वाला है और जहां तक बात उन लोगों लोग की जो कि इस फोन को गेमिंग के ले लिए लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली भाई यहां पे आप काफी अच्छी गेमिंग कर सकते हो तो इस फोन में दोस्तों आप सीओडी मोबाइल को सिक्सटी एफ में प्ले कर सकते हो दोस्तों मैंने इस फोन में एक घंटा गेमिंग करी और मुझे इस फोन में ओवरहीटिंग देखने को नहीं मिली है हाँ गर्मी के मौसम में तो यार फोन डेफिनेटली हीट हो जाता है लेकिन अच्छी बात है कि यहां पर ओवर हीटिंग देखने को नहीं मिलती है अब ऐसे तो यार स्नैप 732G सेवन थर्टी टू जी थोड़ा सा पुराना हो चुका है लेकिन एटलीस्ट दोस्तों यहाँ पर रेडमी नोट नाइन सीरीज़ के कंपेरिजन में अपग्रेड देखने को मिलता है और यही चीज़ यार रियलमी सेवन और रियलमी एट सीरीज़ में मिसिंग है तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के एक और मेन सेलिंग पॉइंट के बारे में जो कि है इस फोन के कैमरास तो इस फोन की बैक साइड में कॉड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जहां पर 64 मेगापिक्सल 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 का 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 प्राइमरी 8 अल्ट्रा वाइड 5 मैक्रो और 2 का डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है आप इस फोन से 1080p में 30 और दोनों में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और वहीं पर दोस्तों फोर में सिर्फ थर्टी एफ का ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों फुल एच में अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पर ई का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और उसी के साथ दोस्तों इस फोन में नाइट मोड शॉर्ट वीडियो

सकते हो कि ये जो फ्लार है जो कि बेसिकली यार गेंदे का फूल है और इसका जो एक्चुअल कलर है जो कि मैं देख रहा था वो ऑरेंज था लेकिन फोटो में यार इसने थोड़ा सा बूस्ट कर दिया और अभी ये कलर थोड़ा टोन की तरफ जा रहा है तो कुछ कुछ जगह पर इसका कैमरा थोड़े जो कलर से उसको बूस्ट कर देता है बाकी फोटोज में दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज काफी बढ़िया है और उसी के साथ जो इंडोर शॉर्ट है जो मैंने आर्टिफिशियल लाइटिंग में क्लिक क्लिके है यहां पर भी दोस्तों जो फोटोज है वो काफी बढ़िया निकल कर आई है डिटेल भी यहाँ पर इनफ देखने को मिल जाती है अच्छा जब हम अल्ट्राइड कैमरा पे स्विच करते हैं तो जो कलर है वो थोड़े मेन कैमरा से डिफरेंट आते है, मतलब कि ये जो फोटो आप देख रहे हो नॉर्मल कैमरा से मैंने क्लिक करी है और ये दोस्तों जो आप फोटो देख रहे हो ये मैंने अल्ट्रावाइट कैमरा से क्लिक करी है यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही फोटो के जो कलर से जो ग्रीनरी है वहाँ पर थोड़ा सा कलर शिफ्ट देखने को मिलता है जो कि अक्सर बजट फोन में सारी चीज़ें देखी जाती है लेकिन दोस्तों इस फोन का नाइट मोड मुझे उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा है मतलब इमेज ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है और उतनी ज्यादा डिटेल ये कैप्चर नहीं कर पाता है यहाँ पर दोस्तों विद नाइट मोड और विदाउट नाइट मोड दोनों ही फोटो आप देख सकते हो बाकी ओवरऑल दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के कैमरा काफी डिसेंट है एंड अपडेट के साथ उम्मीद करते हैं कि और भी ज्यादा बेटर होते जाएंगे बाकी अगर आपको इस फोन का डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू चाहिए तो कॉमेंट करके बताना और मैं पूरा ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की फिर बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में तो यहाँ पर मिलती है पांच हजार की बैटरी और साथ ही में दोस्तों बॉक्स मिलता है थर्टी थ्री वोट का फास्ट चार्जर तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी बैकअप तो अच्छा देखने को मिलेगा ही और उसी के साथ जो फोन की चार्जिंग स्पीड है वो भी काफी बढ़िया रहने वाली है अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो ये फोन आपको एक से डेढ़ दिन काफी आराम से लास्ट कर देगा इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ रेडमी के दोस्तों सारे फोन की तरह यहाँ पर भी आई ब्लास्टर देखने को मिल जाता है मतलब की आप इस फोन से अपने घर के टीवी या फिर कोई भी अप्लायंस को कंट्रोल कर सकते हो और वहीं पर दोस्तों इस फोन में ट्रिपल स्लॉट के साथ थ्री पॉइंट फाइव एम ओडी जैक भी देखने को मिल जाता है मतलब की यहाँ पर आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड एक साथ लगा सकते हो और आप कंप्लीटली वाटर प्रूफ तो नहीं लेकिन स्प्लैश प्रूफ कह सकते हो फिर दोस्तों यहाँ पर यूज किया है जो की बेसिकली टू पॉइंट वन के कम्पेरिजन में थोड़ी सी फास्ट है और वही पर दोस्तों में बाकी दोस्तों इस फोन में स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं जो कि इस प्राइस में काफ़ी कम कंपनीज देती है तो ये था दोस्तों मेरा इस फोन को लेकर फर्स्ट रिव्यू और इनिशियल इम्प्रेशन आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसे लगा आपको ये फोन कैसी लगी इस फोन की प्राइसिंग नीचे कमेंट सेक्शन में अपने अपने ओपिनियन जरूर से शेयर करना और इस फोन का गेमिंग रिव्यू भी कल या फिर परसों चैनल पर अपलोड हो जाएगा तो उसके लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक ले स्टे सेफ एंड गुड बाय I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together in circles. Cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words.